खबर बिजनौर से। मरीजों का आरोप जिला अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन। कोरोना महामारी को लेकर भले ही प्रदेश सरकार लाख दावे करे लेकिन ये दावे झूठे साबित हो रहे। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन मरीजों को न मिलने के कारण जहां मौत की संख्या बढ़ रही, वहीं इस महामारी में अस्पताल के सरकारी डॉक्टर भी नदारद हैं। बिजनौर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने के कारण मरीज और उनके तामीरदार परेशान हैं। मरीजों द्वारा ही अस्पताल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को नहीं है तैयार। बिजनौर जिला अस्पताल में मरीजों द्वारा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर न होने का कारण एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इस वायरल वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं आप कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो जरूर मरीजों के पास रखे हैं, लेकिन मरीजों का आरोप है इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन नहीं है। साथ ही अस्पताल में जिन डॉक्टरों को मरीजों की देखभाल के लिए ड्यूटी पर लगाया, वो भी अपनी सीट पर नहीं बैठे। वायरल वीडियो में मरीजों का आरोप कि सुबह 7 बजे से कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं है। मरीज राम भरोसे ही अस्पताल में पड़े हैं। जब इन मरीजों की समस्याओं को लेकर बिजनौर सीएमओ विजय यादव पर फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन बिजी आ रहा था। काफी प्रयास के बाद भी सीएमओ से फोन पर बात नहीं हो पा रही। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीजों को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है। सर, खाली सिलेंडर कितने बचे हुए हैं? खाली सिलेंडर कितने हैं? बता दीजिए। कुल सिलेंडर कितने खाली हैं? सर ये बताइए, आप टोटल कुल भरे हुए सिलेंडर कितने हैं आपके पास और खाली कितने हैं? फिलहाल स्टॉक कितना है आपके पास बताइए सर। सर आपसे कुछ पूछा जा रहा है। मैम अपने पास खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर का कितना स्टॉक है बताइए मैम। ये देखिए, स्टाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखो ये भी बोल रही है कि मेरे आईसीयू में ड्यूटी है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता। सारा स्टाफ आना का नहीं करता है, वो उसके ऊपर डाल देता है, वो उसके ऊपर डाल देता है। जितने भी मरीज है जिला अस्पताल में, ये सारे देख रहे हैं, ठीक है। कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को ऑक्सीजन मिलने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे देखिए नर्सें आप आई हैं, अभी स्टाफ रूम खाली था। मैम हेलो, मैम मैम आप ये बता दीजिए मैम, ये दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत क्यों हो रही है? सारे पेशेंट क्यों परेशान है? नहीं मैम ये बताइए, दिक्कत क्या हो रही है आपको? मैम अपने पास सिलेंडर नहीं है क्या? मैम सीएमओ साहब तो कह रहे हैं कि गैस बहुत है। नहीं नहीं मैं बताऊं, सीएमओ साहब तो कह रहे हैं सिलेंडर। मैम मैम और वो जो साहब है वो कह रहे हैं। मैम सुनिए तो, देखो मैम पल्ला झाड़ के जा रही है यहाँ से, आप देख रहे हैं सारा स्टाफ जितना भी है सब काम चोरी कर रहे हैं, ठीक है मैम। बहुत सारे जितने भी भीड़ है सब, ये सब सिलेंडर वाले हैं, किसी के पास कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, आप देख रहे हैं। एक्सपायर हो चुके हैं, यहाँ सरकारी अस्पताल में कोई देख रेख वाले डॉक्टर नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए, कोई लापरवाही की वजह है ये सारी, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। कई दफ़े बोल दिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देख साहब देख लो देख लो देख लो, कोई देखने को तैयार नहीं है। सब देख के ऑक्सीजन लगा दिए, ऑक्सीजन लग रही है बस चले जाते हैं। पापा का नाम है जयश्री जयप्रकाश वर्मा है, मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ, अमित कुमार वर्मा, मोहल्ला चौधरी नेट और बिजनौर से। हम कल दोपहर आए थे यहाँ पे, एडमिट हुए थे, कल दोपहर से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। हाँ आप बताइए, आपको बदतमीजी से बात की कल शाम में, आप साहब बदतमीजी की है स्टाफ ने? सारे स्टाफ ने बदतमीजी की है। आपका पेशेंट कौन से नंबर बेड पे है? 2 पे। अच्छा, इन्होंने क्या बोला ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सीजन के लिए कहते हैं हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, अगर ये 2 बजे यहाँ पे भेजा गया, हमें शाम 5-6 बजे गैस ऑक्सीजन मिली। तो और क्या क्या बोला उन्होंने? और तो बदतमीजी के साथ ही पेश आ रही थी। और डॉक्टर अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे, आप देख लीजिए कोई भी डॉक्टर नहीं है, सारे मरीज परेशान है, किसी के पास ना कोई ऑक्सीजन नहीं है, सारे मरीज सीरियस हैं। और ये बिजनौर का सरकारी हॉस्पिटल, इसकी हालत आप देख लीजिए कितनी खस्ता है, मरीज सारे परेशान है। जिला अस्पताल की हालत देखिए आप, सारे देखिए, सारे वार्ड नंबर, स्टाफ को भी ले लो, देखिए आप स्टाफ भी नहीं है यहाँ पे, 7 बजे से यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए, ठीक है 8 बजे की शिफ्ट है, अब तक स्टाफ यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। ये जिला अस्पताल का स्टाफ ड्यूटी रूम है, आप खुद देख लीजिए। इनको भी ऑक्सीजन नहीं मिली, ये भी बिना ऑक्सीजन के हैं। ये वार्ड नंबर 1 है बच्चा वाला क्षेत्र में, और इनको भी है, इनका भी सिलेंडर खाली है, देखने के लिए ना कोई डॉक्टर है यहाँ पे देखने के लिए, सब परेशान है, सब लोग परेशान है, सारे परेशान, ना कोई डॉक्टर है ना कोई पूछने तक को नहीं आ रहा, कल से कोई नहीं। बिल्कुल, आप भी करो, आप भी बोलो अपने आप को, आप कितने दिन से यहाँ पे? 3 दिन हो गए जी। 3 दिन हो गए ना आपको? ऑक्सीजन की क्या दिक्कत आ रही है?
ऑक्सीजन कहते हैं तो दे नहीं पाते, कभी एक किलो मिल जाती है उसमें, अब वो कह देते भाई ये हमारे पास ये हो, तो आपको बताइए क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही मरीज को, हमारे कहाँ जाए? बिजनौर का सरकारी, ये बिजनौर का सरकारी हॉस्पिटल है, वार्ड नंबर एक है, और ये मेरे पापा जी हैं, इनका नाम योगेश कुमार है, और ये चार दिन से एडमिट है, इनको ना ऑक्सीजन दी जा रही है, और इनकी जो पल्स, इनकी पल्स जो चल रही है वो 118 चल रही है, और इनकी जो सांस जो चल रही है वो चल रही है 45, और यहाँ पे ये सारा देख लीजिए आप, साइड होना, और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए किसी के पास सिलेंडर, सबके सबके सिलेंडर खाली है, और पेशेंट को ये बोल रहा है आपको क्या दिक्कत हो रही है, कब से दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नहीं मिली ना आपको भी, आप कब से एडमिट हो? खबर भारतवर्ष के लिए बिजनौर उत्तर प्रदेश से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।